या कंजर्व्ड. क्लियर? सो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. कब? इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क, रिजल्टेंट बोले तो दोनों का, एक्सटर्नल बोले तो बाहर से लगाया हुआ, और क्या है ये टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी इज जीरो. सो दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग बॉडी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. कब? इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क, इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी इज जीरो. और अप्लाइड ऑन द बॉडी जीरो का मतलब अभी समझा दिया कि हम लोग अगर हम लोग टैप की अगर बात करें तो हम लोग एक फोर्स इधर लगाते हैं, एक फोर्स इधर लगाते हैं, यहाँ एक टॉर्क जनरेट होता है, यहाँ एक टॉर्क जनरेट होता है, इसके वजह से ये जो टैप है आपका घूम जाता है, तो रिजल्टेंट टॉर्क कितना हुआ आपका? जीरो. और उसी के कारण ये क्या टैप घूम जाती है, और घूम गया तो क्या हुआ? एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ? कॉन्स्टेंट. सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग बॉडी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. कब? इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी इज जीरो. सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. बोलिए फटाक से, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? The total angular momentum of the rotating body is always if the resultant external torque applied on the body is clear. हो गया? ठीक है. इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग ने टॉर्क कितना लगा दिया? जीरो. टॉर्क कितना लगा दिया? तो एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? चलिए तो हम लोग उसी चीज को अभी यहाँ थोड़ी देर में समझेंगे कि भैया हम लोग डेरिवेशन से कि वी आर लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को कैसे प्रूव करेंगे. तो टॉर्क कितना होना चाहिए? जीरो. टॉर्क कितना होना चाहिए? और एंगुलर मोमेंटम डिनोट किससे करते हैं? एल से. किससे डिनोट करते हैं? तो एल कितना होना चाहिए? कॉन्स्टेंट. एल कितना होना चाहिए? व्हाट इज एल? एंगुलर मोमेंटम. एल एल क्या आपका? और ये क्या चीज डिनोट कर रहा है? रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी इज जीरो, देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कॉन्स्टेंट. सो दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. इसको स्टैंडर्ड तरीके से बोला जाता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी इज जीरो. सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे. अब प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या? आर इंटू पी है. अरे क्या एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आर इंटू पी है? अच्छा, इसको मेरे को कॉन्स्टेंट शो करना है, तो मैं कॉन्स्टेंट शो कराने के लिए थोड़े से हम लोग स्टेप से यूज कर रहे हैं. भाई ये जो इक्वेशन है हमारी, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम. ये इक्वेशन किसके लिए है? एंगुलर मोमेंटम. अब ये जो इक्वेशन है देख अच्छे से, तो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिया. कौन से फॉर्म में लिया? और बीच में देख प्रोडक्ट कौन सा लगाया? क्रॉस. कौन सा प्रोडक्ट लगाया? क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए लगा दिया, वी आर टेकिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्या ले रहे हम लोग? चलिए तो यहां से समझ लेते हैं. अब यहां से मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो डिफरेंशिएट दिस अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो इट्स डीएल वेक्टर डिवाइडेड बाय डीटी. क्या हो जाएगा ये? डीएल वेक्टर डिवाइडेड बाय डीटी इज इक्वल टू डी अपॉन डीटी ऑफ आर क्रॉस पी. कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, ये दोनों किसमें है? किसमें ये? तो लगाएंगे कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल. कौन सा रूल लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल. क्या कहता? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रेवडी ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज रेवडी ऑफ. कुछ याद है ऐसा हम लोग ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था? व्हाट इज प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ. चलिए यहां से मैं अभी यहां पे फर्स्ट फंक्शन कौन सा लू? अबे फर्स्ट फंक्शन कौन सा ले? सेकंड फंक्शन. चलिए तो यहाँ इसी के प्रोडक्ट रूल के हिसाब से मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ. सो डीएल वेक्टर डिवाइडेड बाय डीटी आपका एज इट इज हो जाएगा. चलिए डी डिवाइडेड बाय डीटी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट. फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ हम लोग लाए प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ. कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे कोई दिक्कत है? अच्छा चलते हैं यहां से. अगेन दिस इज डीएल वेक्टर डिवाइडेड बाय डीटी इज इक्वल टू आर वेक्टर, जैसे कि वैसे रख दिया मैंने. एंड दिस इज डीपी डिवाइडेड बाय डीटी. डीपी डिवाइडेड बाय डीटी. डीपी डिवाइडेड बाय फोर्स एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड. तो इक्वेशन याद कर, डीपी अपॉन डीटी इज इक्वल टू एफ होता है. अरे होता है क्या? तो ये डीपी अपॉन डीटी क्या रिप्लेस हो जाएगा? एफ. किससे रिप्लेस हो जाएगा?
चलिए तो यहां आ गया तेरा F. F कैसे आया रे? क्या dp upon dt इसी को स्टेप होता है? किसके अकॉर्डिंग? न्यूटन फर्स्ट लॉ का, सॉरी न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग. ठीक है, चलिए p जैसे के वैसे रखा है. अरे p जैसे के वैसे रखा है. चलिए r का वेक्टर है तो रेडियस वेक्टर हुआ, तो ये रेडियस वेक्टर डिवाइडेड बाय dt. बोल क्या हुआ? बोल बोल बोल. अबे वेलोसिटी क्या हुई है? इसलिए तो मैंने बोला था भैया कि अपन लोगों ने जो ग्यारहवीं में अपन लोगों ने लिखा उसको कम से कम थोड़ा सा याद होता तो तेरे को याद हो. देख R से हम लोगों ने V बनाए थे और V से हम लोगों ने A बनाए थे और A से फिर से हम लोगों ने F बनाए थे. ये रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है और रेडियल एक्सेलरेशन बाय कैलकुलस मेथड का डेरिवेशन याद कर लो. हम लोग ने वही डेरिवेशन सॉल्व किया था. आर वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू आर कॉस थीटा प्लस जे इंटू आर साइन थीटा. गलती हो गई मेरी बता के जनाब. ये dr वेक्टर डिवाइडेड बाय dt क्या होता है? वेलोसिटी. क्या होती है ये? वेलोसिटी. क्योंकि ये r का डिस्टेंस है. r क्या है? डिस्टेंस. और उसको लगा दिया क्या? डिस्टेंस. क्या बन गया? डिस्टेंस. क्या बना? डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी. तो क्या ये वेलोसिटी से रिप्लेस हो जाएगा? अरे होगा क्या? चल सामने चलते हैं अगेन. सो dl वेक्टर डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर प्लस. ठीक है. अच्छा p क्या है? p क्या है? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर लिनियर मोमेंटम? मास इनटू मास. स्केलर है वेक्टर? मास स्केलर है वेक्टर है. ये स्केलर आ गया क्या? यहां वेक्टर v वेक्टर हो जाएगा. अरे क्योंकि ये v वेक्टर से डिनोट किया हुआ और फिर से क्रॉस में भी वेक्टर आ जाएगा यहां से, क्योंकि ये तो टर्म जैसे वैसे रहेगी ना वहां पे. ठीक है. अब देख यहां से, अब मैं थोड़ा सा इसको रिप्लेस कर देता हूं. dl वेक्टर डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर प्लस m और ये v क्रॉस v कर दू. क्रॉस प्रोडक्ट है सेम टर्म का. कितना? जीरो. कितना? जीरो. क्यों जीरो? क्रॉस प्रोडक्ट सेम टर्म का. कितना? जीरो. चलिए तो dl वेक्टर डिवाइडेड बाय dt प्लस इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर प्लस 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 आर क्रॉस एफ. आर क्रॉस एफ. आर क्रॉस एफ होता है क्या टॉर्क? चलो इधर डीएल वेक्टर डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू. अरे आया समझ में? अरे आया क्या समझ में? अच्छा अगर मैं टॉर्क का वैल्यू जीरो कर दू तो एल का वैल्यू क्या कांस्टेंट हो जाएगा? कैसे? वेरी गुड. कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर मैं एल को अगर कांस्टेंट मान लू तो क्या डीएल अपॉन डीटी का वैल्यू जीरो हो जाएगा? इसका मतलब टॉर्क का वैल्यू कितना हुआ? टॉर्क का वैल्यू कितना हुआ? जब टॉर्क का वैल्यू जीरो हुआ तो क्या एल कांस्टेंट हुआ? क्यों ऐसा? क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है? अब जब अगर मैंने एल को अगर कांस्टेंट मान लिया, अगर एल कांस्टेंट मान लिया तो टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क कितना हो जाएगा? क्या यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? क्या यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है? देख अच्छे से, टॉर्क का वैल्यू कितना? टॉर्क का वैल्यू कितना? तो एल क्या हो जाएगा? एल क्या हो जाएगा? सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर. सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग बॉडी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी इज. और यहां से हम लोग ने इसको प्रूव कर लिया. समझा? अरे समझा गया. चलो उतार लो इसको. मैथमेटिकल इक्वेशंस हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, ओमेगा. इसके बेसिक बेसिक फॉर्मूले जो हमेशा के लिए आपको याद रखने हैं. ठीक है, चलिए. ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, दिस इज 2 पाई बाय टी. ये एक फॉर्मूला इसका, 2 पाई बाय टी. 2 पाई इसलिए क्योंकि जिस समय हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो एक सर्कल कंप्लीट होने के लिए सरकमफेरेंस कितना होता है सर्कल का?
टू पाई आर, ठीक है। अगर हम लोग यहां से बात करें तो यहां से लेकर के कहीं से भी आप इसको एडजस्ट स्टार्ट कर लो, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए एंगल कितना होता है, टू पाई, एंगल कितना होता है, और नीचे नीचे आ गया टाइम, मतलब इसको टाइम है इसका भैया की एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए इसको कितना समय लगा है। जैसे हम लोग ने पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट देखे थे, याद है क्या, सो इट इज पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट की भैया एक ऐसा सैटेलाइट जिसको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लग रहा है, टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, सो दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट, याद है ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अगर एक पार्टिकल हम लोग यहाँ से चालू करते हैं तो पार्टिकल को एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना समय लग रहा है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल या टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, है ना, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए इसको कितना समय लग रहा है, और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के लिए उसको एंगल कितना कवर हो रहा है, टू पाई, और समय कितना लग रहा है, टी, सो इट्स टू पाई बाय टी, सो दिस इक्वेशन फॉर या फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी, और एक एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो एफ इज योर फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टी, और इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। दो चीजें हम लोग ने यहां से देखे, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल, पीरियडिक टाइम ऑफ पार्टिकल या फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पार्टिकल। टाइम पीरियड क्या होता है कि भैया एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसको कितना समय लग रहा है, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी उस चीज को कहते हैं कि भैया एक सेकंड में वो कितना रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है, देयर इज अ डिफरेंस। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना समय लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पीरियडिक टाइम, और एक सेकेंड में वो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। समझा, क्लियर, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। फिर से रिपीट करता हूं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एक ऐसा पीरियडिक टाइम होता है या ऐसा एक फेज होता है कि जिसमें एक पार्टिकुलर पॉइंट, अगर पार्टिकल चालू हो गया, उसको एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसको कितना समय लग रहा है, उसको कहते हैं हम लोग पीरियडिक टाइम, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है कि एक सेकंड में उसने कितने रिवॉल्यूशन परफॉर्म किए हैं, अगर एक सेकंड में उसने 10 रिवॉल्यूशन परफॉर्म किए हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी हो गया 10 हर्ट्ज। क्लियर, समझ में आ रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का एसएम क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है। सो एक सेकंड में या दो सेकंड में वो कितने रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर रहा है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और भैया टाइम कितना लगा एक रिवॉल्यूशन परफॉर्म कंप्लीट करने के लिए उसको टाइम पीरियड कहते हैं। समझा डिफरेंस दोनों में, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बात करते थे एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई बाय टी, और ये टी होता है तेरा पीरियडिक टाइम हो, पीरियडिक टाइम किसका लेना है, पार्टिकल का लेना है तो पार्टिकल का कहेंगे, सैटेलाइट का लेना है तो सैटेलाइट का कहेंगे, जिस चीज को आप घुमा रहे हो उस चीज का अगर बोला जाएगा, सो इसको कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, एंड दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम, इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टी एफ होता है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, तो फिर से एक ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, क्योंकि या 1 अपॉन टी है और 1 अपॉन टी क्या होता है आपका एफ, सो इसलिए ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। सो दीज आर दिस टू फॉर्मूलाज फॉर द एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी के दो फॉर्मूले, ये एंगुलर वेलोसिटी के दो फॉर्मूले होने, ये इसलिए समझाना है क्योंकि अभी मेरे को मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है, और मैथमेटिकल इक्वेशन क्या कहती है मेरी की भैया, लॉ ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम में हम लोग ने एल इज इक्वल टू आई ओमेगा निकाले थे, याद है क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, अभी थोड़ी देर पहले एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, मैं उसका मैथमेटिकल इक्वेशन के ऊपर चल रहा हूं। सो दिस इज माई जनरल इक्वेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, एंड अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जितना एंगुलर मोमेंटम प्रीवियस में रहेगा क्या उतना एंगुलर मोमेंटम बाद में भी रहेगा, ये तो हमारे को यही से मिलकर आता है जो हम लोग ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखा था, जितना लीनियर मोमेंटम हमारा प्रीवियस इसमें है उतना ही लीनियर मोमेंटम हमारा कितना रहना चाहिए, बाद में रहना चाहिए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मैं देख रहा हूं इसका मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं हम लोग, आई ओमेगा, आई क्या है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये तो जनरल इक्वेशन हुआ ना, अब मेरे अगर प्रीवियस वाले के साथ में बाद वाला का जोड़ दूं, दैट मींस द मेरा जो प्रीवियस में एंगुलर मोमेंटम है उतना ही एंगुलर मोमेंटम अगर मेरा बाद में होगा, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, L1 is equal to L2, L1 is equal to, so this is L1 is what, एंगुलर मोमेंटम, ये प्रीवियस का, और एंगुलर मोमेंटम आफ्टर, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रीवियस सेक्शन इज इक्वल टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी या कोई भी इसका आफ्टर द सेक्शन, सो L1 is equal to L2, ठीक है। अब मैं अगर इक्वेशन L1 is equal to L2 रखो, L is equal to I into ओमेगा, क्लियर,
क्लियर। तो L1 क्या हो जाएगा, I1 ओमेगा, अरे होगा ऐसे, ठीक है। हाँ तो समझिए, तो सामने तो चलो फ्रीक्वेंसी बदलनी बाहर में हम लोग को, ठीक है। हाँ अगेन इज इक्वल टू L2, सॉरी I2, और क्या हो जाएगा ये ओमेगा 2। एंड व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई f, ओमेगा क्या होता है या 2 पाई बाय t होता है क्या, मैं वहां से 2 पाई f ले लूं, ठीक है। तो देखिए इसमें इक्वेशन ओमेगा I1 ओमेगा 2 बाय f1 होगा, अरे होगा क्या ऐसे, पाई 1 तो वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से फिर से क्या होगा, अगेन दिस इज 2 पाई, अरे समझा करे, अरे समझ में आ रहा है, तो अच्छे से देख, तो 2 पाई 2 पाई कैंसिल हो गया। नाउ दिस इज I1, F1 इज इक्वल्स टू I2, समझ में आ गया, अरे समझ में आ रहा है क्या। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर, मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से अब यहां पे देख, I1 पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये पहली फ्रीक्वेंसी है, ये सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये सेकंड फ्रीक्वेंसी है। अब यहां से कोई भी तीन चीजें अगर दी जाएगी तो आप चौथी चीज आराम से इसको निकाल सकते हो। अगर आपके पास में अगर I1 निकालना है तो क्या F1 और F2 और I2 अगर दिया जाएगा तो क्या यू कैन इजीली कैलकुलेट I1, ठीक है। तो यहां से अगर मेरे को I1 बनाना है तो I1 का इक्वेशन क्या होगा, I2 F2 डिवाइडेड बाय, ये इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को F1 निकालना होगा तो F1 इधर आ जाएगा, I1 इधर हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को यहां से I2 निकालना है तो I2 का इक्वेशन क्या होगा, I1 F1 डिवाइडेड बाय, देख मैं मैथमेटिकल इक्वेशन बना रहा हूं यहां से, भी समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। सो दिस ऑल आर मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर मेरे को यहां से फिर से F2 निकालना है तो F2 क्या हो जाएगा, I1 F1 डिवाइडेड बाय I2, क्लियर। और यहां से मैं F1 बना दूं तो क्या हो जाएगा, I2 F2 डिवाइडेड बाय I1। तो यहां से पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट होगा, पहली फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट होगी, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट होगा, सेकंड फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट होगी। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उसका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि भैया हम लोग ये मैथमेटिकल टूल्स से हम लोग वी कैन इजीली कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनिशियल फ्रीक्वेंसी एंड फाइनल फ्रीक्वेंसी। सो दिस आर दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, समझा अभी, अरे समझा गया। अगर आप अगर फिर से यहां ओमेगा को एज इट इज रखते तो ये ओमेगा और ये ओमेगा वैसे कैंसिल हो जाता, I1 is equal to I2 हो जाता, हमारी इक्वेशन बनती क्या यहां पे, अगर यहां इक्वेशन हमारी नहीं बनती तो हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहां पॉसिबल नहीं हो पाते, इसलिए वी आर टेकिंग I1 F1 I2, समझा, अरे समझा गया, चलिए उतारिए इसको बढ़ावा।